हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ग्रुप 7 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज। देखिए, ये है हमारा सेमी सर्कल प्रोटेक्टर। ओके, तो इसकी परिधि या पेरीमीटर की वैल्यू हमें 36 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसकी परिधि या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2R। देखिए, एक सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πR। ठीक है, एक सर्कल की परिधि होती है 2πR, तो सेमी सर्कल की परिधि हो जाएगी पाई आर। और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये इसकी वैल्यू कितनी, ये डायामीटर है, ये डायामीटर है ना इस सर्कल का, तो मतलब ये इसकी वैल्यू डायामीटर या फिर रेडियस है। परिधि का मतलब होता है बेसिकली लंबाई। ठीक है, ये आधा जो सर्कल बनाया है, जिस मान लीजिए किसी रस्सी से हमने सर्कल बनाया है, तो उसकी वैल्यू है पाई आर, तो इसकी वैल्यू है 2R या फिर डायामीटर। तो यहाँ पे से परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अगर आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमसे पूछा गया है और यहाँ पे भी रेडियस हमसे पूछा ही गया है। पेरीमीटर की वैल्यू दी है 36 सेंटीमीटर में। हम इस क्वेश्चन को 30 सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 इक्वल्स टू, देखिए आप यहाँ पे 7 को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे 22R प्लस 2R की जगह 14R हो जाएगा। 7 × 14 होता है, तो वहाँ से 14R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 × 7 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 22 + 14 कितना होता है, 4 × 2 = 6 और 2 × 1 = 3, 36R। यहाँ पे 36 से 36 कट गया, तो रेडियस की वैल्यू आ गई कितनी, 7। रेडियस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायामीटर, और डायामीटर कितना होता है, डायामीटर होता है 2 × रेडियस, तो 2 × 7 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 वैल्यू ऑफ टेन थीटा। देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये लंब है, ये आधार है और ये कड़ है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों चीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप कोई शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर लीजिए या कैसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कड़, कॉस थीटा की होती है आधार बटे कड़ और टेन थीटा की होती है लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी हुई है, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कड़, मतलब यहाँ पे लंब की वैल्यू हो जाएगी 3 और कड़ की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें आधार की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में टेन थीटा पूछा गया है और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब हमें आधार निकालना होगा। तो हम आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को यही लिख लीजिए, 25 माइनस इधर आएगा तो ये 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर, ए इक्वल्स टू √16, मतलब यहाँ पे आधार की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से आधार की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। देखिए, लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिकल का क्वेश्चन है। द मीटर हैज़ 20 डिवीजन बिटवीन 0 mark एंड 2 a mark ऑन इट्स स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ इट्स एमीटर इज। देखिए, यहाँ पे 0 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 2। यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए और ये 20 डिवीजन्स है, 2/20। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/10, मतलब ये 0.1। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जो भी दोनों हैं उसको आप डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर जितने डिवीजन्स दिए गए हैं उसे आप डिवाइड कीजिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस फॉर डीसी सर्किट इज। इसका आंसर 1 करेक्ट है, 0। ये हमने पीडीएफ पिछले पीडीएफ में भी देखा था।
इसका आंसर जीरो सही है, ठीक है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इज 2, देन अदर रूट इज। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो जनरली इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जो इसके जो रूट्स होते हैं ना, इसके रूट्स को यूजुअली हम लोग अल्फा बीटा सिंबल से यूज़ करते हैं, करके दिखाते हैं। बुक्स में आपने अल्फा बीटा का यूज़ ही देखा होगा। तो इसके रूट्स का जो मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू होती है सी बाई ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो रूट्स का मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। तो देखिए एक रूट हमें पता है, एक रूट दो है, दूसरा रूट हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए आपको अल्फ़ा या बीटा में से कोई एक पता है और एक नहीं पता है। मान लीजिए आपको अल्फ़ा ही पता है, ठीक है, तो बीटा नहीं पता है हमें। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमें पता है। अब ये सी बाई ए क्या होता है, ये देखिए ये इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 4। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू k है और सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 4, ठीक है। 2 से 2 भी कट गया तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप याद रखिए, ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर आप इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, फिर यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, उसको यूज़ कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज टू फॉर्म एन एंड गेट। तो आप इसको याद कर लीजिए, 2 नैंड गेट का हम लोग यूज़ करते हैं तो एक एंड गेट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 120 वोल्ट लाइन टू स्टेप अप द वोल्टेज अप टू 2400। मतलब ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज है और ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न इज 75 देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सीधा फार्मूला होता है, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी वोल्टेज इक्वल्स टू ns अपॉन np। ns क्वेश्चन में पूछा गया है, बाकी सारी वैल्यू हम रख देते हैं। vs सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू है 2400 डिवाइडेड बाई प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू है 120 इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न्स हमसे पूछे गए हैं और यहाँ पे np की वैल्यू 75 दी हुई है, 0 से 0 कट गया, 12 × 24 मतलब 20। अब ns की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखिए इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 20 × 75 हो जाएगा। जब यहाँ से ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1500, 75 × 150 और 0 एक्स्ट्रा इसलिए 1500, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। या देखिए जो आप इसको याद कर सकते हैं, पॉइजन रेशियो, इसको हम यूज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन, स्ट्रेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉइजन रेशियो इक्वल टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नंबर 9 भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। अ परफेक्टली रिजिड बॉडी हैज़ यंग मॉडुलस। देखिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये होता है हुक्स लॉ, ठीक है। यहाँ से आता है स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है, बिल्कुल कठोर वस्तु, ठीक है। अगर कठोर वस्तु है तो उसका स्ट्रेन तो जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें कोई खिंचाव तो नहीं होगा। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा यंग मॉडुलस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन जीरो। अब किसी नंबर के अगर जैसे यहाँ पे 1/0 है, किसी नंबर के अपॉन में जीरो होता है तो हम लोग उसको इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है इनफाइनाइट, ठीक है। परफेक्ट रिजिड बॉडी है तो उसका यंग मॉडुलस इन्फिनिटी होता है, आप याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फर्स्ट ऑर्डर पुली नंबर ऑफ रोप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर पुली का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एन 82 एम्पियर प्लस 10% रजिस्टर हैज़ ए लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ। देखिए पहले हम इसका 10% निकालेंगे, 100% यहाँ पे है 82, तो 1% हो जाएगा, 1% होगा 82/100, तो इसका 10% होगा 82/100 × 10, तो यहाँ से आ जाएगा 8.2, मतलब 8.2 10% की वैल्यू है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है 82 प्लस माइनस 8.2, इसमें से एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट हमें मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू मिलेगी माइनस करने से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है क्वेश्चन में, तो प्लस यूज़ किया जाएगा अपर लिमिट के लिए और माइनस यूज़ किया जाएगा लोअर लिमिट के लिए, तो 82.0 माइनस 8.2 ये करेंगे हम तो हमें लोअर लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ पे 11 माइनस 8 3, यहाँ पे 73.8 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बाइनरी नंबर 1100 टू ग्रे कोड इज, इसका आप याद रख लीजिए, जो इस बाइनरी नंबर का जो ग्रे कोड होता है वो होता है 1010। देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड, ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप एक ही दो क्वेश्चन है इस तरीके के, आप उसको याद रख सकते हैं। ये 12 का बाइनरी नंबर है, ये 12 का एक्चुअली बाइनरी कोड है और ये 12 का ग्रे कोड है, तो ये 12 को हम ऐसे लिखते हैं बाइनरी में 1100 और ग्रे में लिखते हैं 1010, आप इसको याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक कैटल फॉर यूज़ ऑन 220 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड एट 3 किलोवाट, किलोवाट है मतलब यहाँ पे पावर है, ठीक है, हमें पता नहीं कि ये क्या दिया है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है पावर है, लेकिन किलोवाट है मतलब पावर है, क्योंकि यूनिट पावर की ही यूनिट होती है वाट, मतलब ये 3000 वाट इसकी वैल्यू है पावर की, पावर की वैल्यू कितनी है 3000 वाट। फॉर सेफ वर्किंग द केबल कैरिंग कनेक्शन टू इट शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पावर की वैल्यू दी है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो केबल है वो कितना सुरक्षित काम करने के लिए इसके साथ कनेक्शन ले जाने वाले केबल कम से कम कितना सक्षम होना चाहिए। तो पावर इक्वल्स टू होता है वी और आई, पावर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3000 वाट, वोल्टेज की वैल्यू है 220 और करंट की वैल्यू पूछी गई है। देखिए करंट की वैल्यू पूछी गई है, ये बात आप यहाँ से ऑप्शन से भी जान सकते हैं, 2 एम्पियर 5 एम्पियर, एम्पियर में है मतलब करंट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा कि इसमें निकालना क्या है तो। देखिए अभी यहाँ से 0 से 0 कट गया, अब 2 से इसको काटेंगे 300 को तो 150 आएगा और इसको काटेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी 150/11, 11 यहाँ पे बचेगा 40, मतलब यहाँ पे आएगा 13.7, तो यहाँ पे 6 ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो देखिए जो केबल अगर 15 एम्पियर ले जा पाएगा वो 13.6 एम्पियर भी कैरी करने के लिए सक्षम होगा, है ना। पैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जिम जा रहे हैं और वहाँ पे वजन को उठा रहे हैं, तो अगर आप 15 किलो का वजन उठा ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप 13 किलो के वजन को तो उठा ही लेंगे, ठीक है, तो इसका 15 एम्पियर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, एन अलॉय इज, ये डेफिनेशन है कि एक अलॉय जो होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्सचर होता है मेटल का, ठीक है, ये वर्ड ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन लिखा है, ऊपर में एनी प्रोपोर्शन लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है अलॉय में, वो भी मेटल का। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा साइंस से है, अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री फॉरेनहाइट एक्सप्रेस इन डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9। देखिए यहाँ पे C की वैल्यू हमें हमसे पूछी गई कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पे 5 इक्वल्स टू F की वैल्यू 122
फॉरेनहाइट डी है माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ओके इक्वल्स टू हो जाएगा इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9, देखिए 90, यहाँ से आ जाएगा 50। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यूनिट का है, मतलब ये मैथ्स का क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन इन मीटर ऑफ 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स मैंने यूनिट का एक अलग से वीडियो बनाया है, वो मेरा पहला वीडियो है। यूनिट सबसे कॉमन और थोड़ा सा कठिन टॉपिक भी है, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए और वहाँ से सीखिए कि हम एक्चुअली यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको डिटेल में ये बता रही हूँ, उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको पहले ऐसे ओपन कर लीजिए। सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है कि आपको 3 बार सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हर सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 4.75 यहीं रह जाएगा। एक सेंटीमीटर 1/100 मीटर, अगेन 1/100 मीटर एंड अगेन 1/100 मीटर। तो यहाँ पे 4.75 यहीं पे रह जाएगा डिवाइड बाई 1/ ये कितना है 2 0 2 0 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 6 मतलब 10^6। अब ये 10^6 जब नीचे से ऊपर आता है तो माइनस लग जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4.75 इंटू 10^-6 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, पहला इक्वेशन है 2x + y = 3। ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपको 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो यही मिलेगा कि आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको उसको सॉल्व करके दिखाना होगा, उसके आंसर बताते होंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसका आप साइन चेंज कर लीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा तो वाई वाई कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -3x + 2x तो बचेगा यहाँ पे -x = -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो अगेन x की वैल्यू बच जाएगी 1। अब जब x की वैल्यू आप 1 इस इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं ऊपर वाले में ही रखी हूँ, 2 × 1 + y = 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 - 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। और जब भी इस तरह से ऑप्शन दिया होता है तो उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है। तो x के लिए यहाँ पे 1 होगा और y के लिए यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। या तो इस तरह से ऑप्शन दिया हो सकता है या तो कभी कभी ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा x = 1 y = 1, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इस ये जो पीडीएफ है इसमें एक 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, मैथ्स के और मैकेनिकल के भी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पीडीएफ है ये, तो आपको अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।